यहाँ इसे कवर करके बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि पॉपकॉर्न बनाते समय सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको ये ध्यान रखनी है कि बर्तन कौन सा यूज करना है और टाइम कितना देना है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ परफेक्ट पॉपकॉर्न कैसे बनाते हैं घर पे इजी तरीके से। तो अब घर को बनाए अपने पापा का सिनेमा हॉल, एडवर्टाइज तो देखा ही होगा आपने, तो बस वही करना है हमें आज। तो सबसे पहले हम एक कढ़ाई रखेंगे और अब हम लेते हैं हमारे पॉपकॉर्न सीड। एक बात का हमेशा ध्यान रखना कि पॉपकॉर्न बनाने के लिए अलग से मक्का मिलती है मार्केट में। नॉर्मली जो हमारे घरों में मक्का होती है जिसका आटा पीस के रोटी बनाते हैं, उससे पॉपकॉर्न नहीं बनते। अब कढ़ाई में हम डालेंगे 2 टेबल स्पून ऑयल, आधा चम्मच डालेंगे हल्दी का पाउडर और आधा चम्मच डालेंगे नमक। अगर आपको येलो कलर के पॉपकॉर्न नहीं बनाना है, व्हाइट बनाना है, तो हल्दी को स्किप कर सकते हैं। अगर आप 1-2 पॉपकॉर्न का पैकेट यूज करें तो उसमें ऑयल भी होता है, उसे सिर्फ डालना है और कवर कर देना है। यहाँ कवर करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये सारे कॉर्न सीड पॉप अप होके बाहर निकल जाएंगे। तो यहाँ पर आपको पॉपकॉर्न सीड डाल के मिक्स कर देना है और इसे कवर कर देना है कम से कम 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। बर्तन आपको यूज करना है मोटे तले का, आप चाहे तो कुकर भी यूज कर सकते हैं। मैंने एक बार पॉपकॉर्न बनाए थे और बहुत ही पतले तले की कढ़ाई यूज की थी, 2 मिनट में सारे पॉपकॉर्न फटाफट से पॉप अप हो गए थे लेकिन नीचे के सारे जल गए थे। इसलिए थोड़ी मोटे तले की कढ़ाई लिए, कम से कम मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए इसे कुक करें। बीच बीच में आपको बार बार ढक्कन हटाना नहीं है, आपको कंटिन्यू 5 मिनट तक कुक करना है या जब तक इसकी आवाजें आती रहे तब तक कुक करना है। दूसरी इम्पोर्टेंट बात, आपको कढ़ाई इतनी ही बड़ी यूज करना है जितने ज्यादा सीड डाल रहे हैं। अगर आप छोटी कढ़ाई में ज्यादा सीड डालेंगे तो बहुत सारे सीड रह जाएंगे। लास्ट में इसमें 1 चम्मच चाट मसाला और थोड़ा सा मैगी मसाला डालना ना भूले, इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। इसके अलावा आप इसे घी या बटर में भी बना सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक जरूर कर दे और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।